हे गाइस, वेलकम टू योर न्यूज़ वर्ल्ड। और इस वीडियो में बताऊंगा आपको एक स्कूल के बारे में, ठीक है? उसका नाम कलकत्ता पब्लिक स्कूल है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू योर न्यूज़ वर्ल्ड, और हमारा नाम विजय है। तो ये वीडियो एक वाहियत से स्कूल के बारे में है, और वाहियत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो आर्टिकल 12 बहुत ही वाहिया स्कूल है, बहुत जाना माना स्कूल है कलकत्ता में। स्कूल के टीचर को बोलने का तमीज़ ही नहीं है, ठीक है? 3 महीना हो चुका है पैंडेमिक के, और इन लोगों को सिर्फ पैसा 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 ही लगा हुआ है। लोग ऑनलाइन क्लास में भी पैसा ही मांग रहे हैं। तो ग्रुप भी बनाया है पेरेंट्स और टीचर के बीच में, ठीक है? और उसमें भी मैसेज में क्या आ रहा है कि पैसा चाहिए मुझे। तो भाई पैंडेमिक है, रुक जा, एक टाइम दे दे। लोग गवर्नमेंट से क्यों नहीं बात करते, स्कूल को बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग करिए ऑनलाइन, ठीक है? और स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, और गवर्नमेंट तक पहुँचाइए, अपने स्टेट गवर्नमेंट तक, ठीक है? या जो बोर्ड है उसके ऑफिस तक पहुँचाइए, ठीक है? 3 महीना बीत चुका है, आप लोग पैसा मांग रहे हैं, ठीक है? मांगना सही है, बट मांगने का कुछ तरीका भी होता है। अभी COVID-19 आप लोग के प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा समस्या है। तो निवेदन है, कुछ करिए, ठीक है? पैसा मांगने से नहीं होगा। एक रिपोर्ट आया कलकत्ता पब्लिक स्कूल का कि वो लोग पेरेंट्स के बीच में एक ग्रुप बनाया, और एक टीचर है जो कार खरीद रहा है तो कार का फोटो डाल दे रहा है, कहीं जा रहा है घूमने तो फोटो डाल दे रहा है। तो सर ये सब फेसबुक में करिएगा, ठीक है? बच्चे लोग की फैमिली का शोभा नहीं देता।